दिस इज छानो। कुछ दिन पहले एक 13-14 साल का एक लड़के ने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो के अंदर गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया। वो वीडियो वायरल किया गया और उस वायरल वीडियो के जरिए एक शहर के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि ये लड़का MIM का है, जबकि मैं साफ तरीके से ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, इस लड़के का MIM से कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। वहीं के स्थानिक लेवल के ऊपर उस लड़के को किसने मजबूर किया ये बनाने के लिए और किन किन शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए उसे बोला गया, इसके बारे में मैंने खुद ने पुलिस कमिश्नर से ये कहा था कि जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इस मामले को लेकर एक राजनीतिक पार्टी के नेता ने इसे एक ऐसा इशू बनाने की कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से शहर का माहौल खराब हो। ये वही नेता है जो कुछ दिन पहले तक अखबारों में फुल पेज एडवर्टाइजमेंट देकर अपने भाषणों के अंदर ये कह रहे थे कि हम सब साथ में मिलकर काम करेंगे। मैं मानता हूं कि अगर उस लड़के की कोई गलती है तो पुलिस यकीनन उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। हम किसी भी तरह से ऐसी किसी भी हरकत का हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट्स इश्यू करना कि हम अगर माफी नहीं मांगेंगे तो हम घर में घुसकर हम ऑफिसेस छोड़ डालेंगे, 8 बजे तक हम ये करेंगे, मेरे हिसाब से आप कानून से बढ़कर नहीं है। और कानून को यह अधिकार दिया गया है कि कानून अपने लेवल के ऊपर जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। मैं तो पुलिस कमिश्नर से यह कहता हूं कि अगर वो लड़का जिसने ये वीडियो बनाया है या उसे बनाने के ऊपर जिसने भी मजबूर किया था, इन सब के ऊपर आप कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ अगर इस तरह के मैसेजेस अगर वायरल हो रहे हैं तो हमारा एक सवाल पैदा होता है, क्या पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठे रहेगी और इस तरह के जो भड़काऊ किस्म के स्टेटमेंट्स इश्यू किए जा रहे हैं, चेतावनी भरे जो एक वार्निंग देते हुए कि ऐसा करो नहीं तो हम ऐसा कर डालेंगे। हमें तो ऐसा लग रहा है कि क्या ये जंगल राज है, क्या पुलिस इसके ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। अगर इम्तियाज जलील कहीं पर दोषी है तो पुलिस को पूरा अधिकार है कि इम्तियाज जलील के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट्स इश्यू करके आज शहर के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैं औरंगाबाद की शांति प्रिय जनता से यह कहना चाहूंगा, देखिए यह शहर हमारा है, किसी एक इंसान की गलती की वजह से हम पूरे शहर को कटघरे में नहीं खड़े कर सकते हैं। आप ये बड़ा आसान सी बात हो गई है कि एक नौजवान लड़का कुछ कहता है और पूरे MIM को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि उस लड़के का MIM पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और हां, आखिरी बार मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं नेताजी, छत्रपति शिवाजी महाराज ये किसने कहा है आपसे कि वो सिर्फ आपके हैं? हमने पहले भी कहा था और एक बार फिर से दोहरा रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी हो या कोई भी महान पुरुष, ये जितने तुम्हारे हैं उतने हमारे हैं। इसीलिए इनके ऊपर अपना कॉपीराइट मत समझिएगा कि ये हमारे हैं तो हमें ही है। हम पूरी तरह से ऐसी हरकतों का हम खंडन करते हैं, हम इसकी आलोचना करते हैं और पुलिस से आज भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि पुलिस ने जो भी दोषी है उसके ऊपर तो कार्रवाई करे ही करे, लेकिन इस तरह के जो स्टेटमेंट्स इश्यू कर रहे हैं उनको भी ये बताए कि वो कानून से बड़े नहीं है। धन्यवाद।